वेलकम टू माय चैनल मिस पूजा कुकिंग। मेरे चैनल मिस पूजा कुकिंग में आपका स्वागत है। इंग्रेडिएंट लिस्ट: मेरे चैनल को सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज हम बनाएंगे भटूरे। इंस्टेंट भटूरे बनाएंगे हम सोडा वाटर के यूज़ से। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 सोडे की बोतल, ये रूम टेम्परेचर पे है, 1 बड़ा चम्मच तेल और नमक 1/2 चम्मच, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो हम डो बनाएंगे वो सोडा वाटर के यूज़ से बनाएंगे। सबसे पहले हम 1/2 चम्मच नमक मिलाएंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम सोडा वाटर के यूज़ से हमारा जो डो है वो बनाएंगे। हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, हमें जो डो बनाना है वो सोडा वाटर से ही बनाना है। इससे भी हमारा जो भटूरे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत अच्छे से फूलते हैं। हमारा डो बन के रेडी है। इसे अच्छे से मिक्स करके हम 20 मिनट्स के लिए एक कपड़े से ढककर रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट बाद देखिए अपना जो हम मैंने डो बनाया था वो बन के रेडी है, वो फूल चुका है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और थोड़ा सा डो अलग से लेके हम इसके भटूरा बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है। इसे अच्छे से गोल बना लीजिए, लोई बनानी है। और अब हम इसे बेलेंगे। इसे अच्छे से बेलेंगे। हमारे भटूरे इससे बहुत सॉफ्ट और बहुत जल्दी बनते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक कढ़ाई में तेल गरम करना है भटूरे फ्राई करने के लिए। ऑयल जो होगा आपका वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इसमें हम भटूरा डालेंगे और इसे करछी की सहायता से अच्छे से धीरे धीरे प्रेस करेंगे। प्रेस करने से जो होता है हमारे भटूरा है वो फूलता है। ये देखिए आप धीरे धीरे भटूरे फूल रहे हैं और ये हमारा भटूरा अच्छे से फूल चुका है। हमारे बहुत ही सॉफ्ट भटूरे बनेंगे इससे। हम इसे एक अलग से प्लेट में निकालेंगे और सेम प्रोसेस से हम एक और भटूरा फ्राई करेंगे। इसे भी हम करछे की सहायता से धीरे धीरे प्रेस करेंगे जिससे ये भटूरे जो है हमारे अच्छे से फूलेंगे। एक तरफ से सिकने के बाद इसे पलटना है। आपका जो ऑयल है मेक श्योर करना बहुत गर्म होना चाहिए। ये देखिए हमारे भटूरे बनके रेडी हैं। कितने सॉफ्ट भटूरे बने हैं, थोड़ा गर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग।